हमारे साथी कह रहे हैं कि कैमरा को भी एड्रेस करें, मगर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं जो कैमरा को चला रहे हैं। हमें पता है कि कौन से ताकत के मराकज हैं जहाँ से कैमरा को हिदायत मिलती है। हम उन इसलिए ये नारा सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ये एक जमात का तंजीम तक महदूद नहीं है कि दुनिया भर के इसलिए मैं बार फिर मीडिया से अपील करता हूँ। अब दबाया गया है, अब तक हमारी आवाज को पहुंचने नहीं दिया गया। मुझसे यहाँ आते हुए पहले इख्तदार ने कहा कि आप अमन की अपील करें। मैंने कहा कि हम अपनी कौम के अगर जज्बात की तर्जमानी नहीं कर सकते, अगर हमारे पैगाम को रोका जा रहा है तो हम किस मुंह से अमन की अपील करेंगे। जो हमसे अमन की अपील की तवक्को रखते हैं उनको हम दावा कराना चाहते हैं कि इस आवाज को इस पैगाम को न रखें। इमाम अली जाफर साहब के हमारे मेहमान तशरीफ ले आए हैं, पूरे पाकिस्तान से हमें पैगाम आया कि हम ऐलान के मुंतजर हैं। पूरे पाकिस्तान को खैबर से लेकर वाजा तक और चमन से लेकर कराची तक ये पैगाम दे रहा हूँ कि कल की हड़ताल में आप फुरन हड़ताल में, पैयाम हड़ताल में, शटडाउन हड़ताल में आप नामों के रसालत का जो हक आप पर वाजिब है उसका कर्ज चुकाने के लिए आप हमारा साथ दें। और हम पहले इख्तदार को ये मौका दे रहे हैं कि वो होश के नाकुल में जिनको अपनी ताकत पर नाज है उन्हें हम अल्लाह की ताकत से डराते हैं, उन्हें हम जलाल इलाही और फजल इलाही से डराते हैं। अगर तुम्हारी बसारतें न बंद हुई तो उस वक्त से डरो जब अल्लाह का आजाब तुम पर टूट पड़ेगा। किसी न्यूज़ में मेरे ख्याल से बताया नहीं है जी, लॉकडाउन कल से सब कुछ बंद रहेगा जी। तो इधर जियो न्यूज़ भी लाइव चाह रहा है जी, ये आप देख सकते हैं। ये आज की न्यूज़ है जी लाइव, इसमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। 1:01 हो गया। बता दिए जी।